एक यूनिट जिसका नाम है मिसलेनियस मटेरियल्स या विविध पदार्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस विविध पदार्थ वाले जो यूनिट है इसमें चार पोर्शन है। इसमें पहला जो पोर्शन है वो है रेफ्रेक्टरीज। रेफ्रेक्टरीज का हिंदी जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उच्च ताप सह पदार्थ, अर्थात ऐसे पदार्थ जो उच्च तापक्रम को सहन करने की क्षमता रखते हैं वो उच्च ताप सह पदार्थ होते हैं। एक रिफ्रेक्टरी मटेरियल और एक रिफ्रेक्टरी इस तरह का पदार्थ होता है जो बिना किसी डिकम्पोजिशन के हुए हीट की हीट से या हाई प्रेशर से या किसी प्रकार का एसिड वेस या किसी प्रकार के केमिकल से जब अटैक होता है तो उसकी स्ट्रेंथ यानी उसकी सामर्थ्य में, उसकी शेप और साइज अर्थात उसकी आकृति आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जैसे हाई टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें किसी प्रकार का चेंजेज नहीं आता है। इस प्रकार का जो मटेरियल है ये रिफ्रेक्टरी कहलाती है। अगर हम और दूसरे शब्दों में कहें ये इस तरह के पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः कंस्ट्रक्शन के लिए काम में लिए जाते हैं। स्पेशली ऐसे पदार्थ जो कि हाई टेम्परेचर बियर करने की क्षमता रखते हैं ऐसे पदार्थों को हम रिफ्रेक्टरीज कह सकते हैं। रिफ्रेक्टरीज सामान्यतः इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक और अधातु पदार्थ होते हैं और अप्रोक्सीमेटली कोई जो रिफ्रेक्टरीज होती है उसका जो टेम्परेचर होता है या हम जिसे कहते हैं कि करीब करीब 1500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये कोई भी रिफ्रेक्टरीज आसानी से सहन कर सकती है, अर्थात इस पर इनकी सेज साइज में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता, इनकी स्ट्रेंथ में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस तरह के पदार्थ रिफ्रेक्टरीज होते हैं। तो रिफ्रेक्टरीज सामान्यतः ये इनऑर्गेनिक और नॉन मेटेलिक होते ही होते हैं। उसके साथ साथ ये जो पदार्थ होते हैं हीट्रोजीनियस पदार्थ भी होते हैं। इस प्रकार के जो पदार्थ है ये मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड्स से मिलकर बने होते हैं। उनमें मुख्य रूप से जैसे सिलिकॉन का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड है एंड जिर्कोनियम का ऑक्साइड है। इस प्रकार के ऑक्साइड से मिलकर के इस प्रकार की रिफ्रेक्टरीज बनी होती है। रिफ्रेक्टरीज मटेरियल्स का यहाँ स्टडी क्यों आवश्यक है, क्यों हम रिफ्रेक्टरीज का अध्ययन करते हैं, इसलिए आवश्यक होता है कि विभिन्न प्रकार की जो फर्नेसेज होती है, भट्टियाँ होती है या चूने के भट्टे होते हैं या इंसिनेटर्स होते हैं या विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उनमें जो फर्नेसेज होती है उन फर्नेसेज के आंतरिक स्तर के लिए आंतरिक स्तर लगाने के लिए सामान्यतः इस प्रकार की जो रिफ्रेक्टरीज है वृक्ष है इनका हम यूज करते हैं। रिफ्रेक्टरीज का यूज हम क्रूसिबल्स वगैरह बनाने के लिए भी इनका कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो मोल्डिंग के लिए जो कास्टिंग ग्लासेज है या मेटल्स है उनके लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं। और खास करके जो रॉकेट लॉन्चिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम रिफ्रेक्टरीज की जो वृक्ष है उनका हम एक स्केलेटन तैयार करते हैं जहाँ से हम जो लॉन्चिंग पैड है वहाँ से हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं। तो ये जनरल डेफिनेशन या करेक्टर्स होते हैं रिफ्रेक्टरीज के। एक अच्छी क्वालिटी की जो रिफ्रेक्टरीज होती है उनमें कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं, एक अच्छा रिफ्रेक्टरीज किसे कह सकते हैं या अच्छे रिफ्रेक्टिव पदार्थ या अच्छे उच्च ताप से पदार्थ कौन से होते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं इन पदार्थ की खास विशेषता होती है कि ये हाई टेम्परेचर को बियर करने की क्षमता रखते हैं। दूसरी बात इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जब फर्नेस के अंदर अचानक हीटिंग और कूलिंग अनायास ही बढ़ जाती है, एकाएक जैसे कूलिंग हो जाती है, एकाएक फर्नेस में एकदम सडन टेम्परेचर बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल शॉक्स या जिसे हम कहते तापीय झटके। तो ये तापीय झटकों को सहन करने की क्षमता रिफ्रेक्टरीज के अंदर होती है। इस प्रकार की जो रिफ्रेक्टरीज होती है ये विभिन्न प्रकार के जो एब्रेशंस होते हैं और रिफ्यूजेज है उनके प्रति ये स्टेबल होती है। रिफ्रेक्टरीज का जो एक्सपेंशन होता है जिसे हम कहते हैं विस्तार है किसी भी हाई टेम्परेचर की वजह से बहुत कम होता है, अर्थात ये इनका न तो सिकुड़ति है टेम्परेचर की वजह से और न ही इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है न इसका एक्सपेंशन होता है। इस प्रकार की जो रिफ्रेक्टरीज होती है विभिन्न प्रकार के जो फ्लेक्सिंग मटेरियल्स होते हैं खास करके जो स्लैक्स बनते हैं
और जो कोरोसिव गैसेज होती है उनसे भी ये एक तरह से अनचेंज रहती है, एक तरह से स्टेबल रहती है। रिफ्रैक्टरीज मटेरियल्स में हीट इंसुलेटिंग करेक्टर होता है, बहुत एक अच्छी क्वालिटी के ये हीट इंसुलेटर्स होते हैं। रिफ्रैक्टिव जो सब्सटेंसेज होते हैं ये हाई टेम्परेचर पर भी इनएक्टिव होते हैं, एलिवेटेड टेम्परेचर भी, ऊंचे तापक्रम पर भी ये इनएक्टिव रहते हैं, अर्थात किसी प्रकार के केमिकल के साथ में इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। रिफ्रैक्टरीज गैसों के प्रति अपारगम होते हैं, इम्परमेबल होते हैं, अर्थात इनमें ओके गैस का आदान प्रदान नहीं हो सकता, विभिन्न प्रकार के जो लिक्विड्स है उनका आदान प्रदान नहीं हो सकता है। और रिफ्रैक्टरीज जो मटेरियल्स होते हैं खास करके इनका जब जो इलेक्ट्रिक फर्नेसेज में जब हम इनका यूज करते हैं तो इनमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनकी बहुत ही कम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है। तो ये एक जनरल जो रिफ्रैक्टरीज होती है उनके सामान्य करेक्टर होते हैं, सामान्य गुणधर्म होते हैं। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टरीज कितने प्रकार के होते हैं। रिफ्रैक्टरीज के कौन कौन सी क्लासेज होते हैं, केमिकल बिहेवियर के हिसाब से, इनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से हम जो रिफ्रैक्टरीज होती है या विभिन्न प्रकार के जो ऑक्साइड मटेरियल्स है जिनके वजह से रिफ्रैक्टरीज का फॉर्मेशन होते हैं या कार्बाइड्स की वजह से रिफ्रैक्टरीज का फॉर्मेशन होता है, तो इनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं इनकी प्रकृति के आधार पर। एक होता है एसिडिक रिफ्रैक्टरीज, अम्लीय उच्च ताप सह पदार्थ, क्षारीय उच्च ताप सह पदार्थ और उदासीन उच्च ताप सह पदार्थ। अब पहले हम बात करेंगे अम्लीय उच्च ताप सह पदार्थों के बारे में। ये इस तरह के पदार्थ होते हैं कि इन पर केवल एसिडिक मटेरियल जब स्लैग बन रहा है या उनकी जो ऑपरेटिंग कंडीशन है जब केवल एसिडिक मटेरियल वहां पर बन रहा है उसी कंडीशन में इस प्रकार की रिफ्रैक्टरीज का हम यूज कर सकते हैं। ऐसे जोन, ऐसे क्षेत्र, ऐसे फर्नेसेज, ऐसे किल जहां पर बेसिक मटेरियल्स बन रहा है वहां पर इस प्रकार की रिफ्रैक्टरीज का हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार की जो रिफ्रैक्टरीज होती है वो एसिडिक करेक्टर वाली होती है। इस प्रकार की जो रिफ्रैक्टरीज होती है केवल एसिडिक एनवायरमेंट में वर्क करती है। अगर इनको हम बेसिक रिफ्रैक्टरीज या बेसिक मटेरियल के साथ में यूज करते हैं तो इन रिफ्रैक्टरीज का डिके हो जाता है, ये एक तरह से कोरोडेड हो जाती है। इस प्रकार की जो रिफ्रैक्टरीज होती है वो हाई टेम्परेचर पर लाइम और विभिन्न प्रकार के जो बेसिक ऑक्साइड्स है उनके साथ में रिएक्शन कर सकती है, और रिफ्रैक्टरीज की जो रिफ्रैक्टिव करेक्टर है या उच्च ताप से पदार्थ का ये जो गुणधर्म है ये खत्म हो जाता है। इसमें कई प्रकार की रिफ्रैक्टरीज हो जैसे सिलिका रिफ्रैक्टरीज। सिलिका रिफ्रैक्टरीज को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिका डाइऑक्साइड SiO2 अप्रोक्सीमेटली करीब 90% से ऊपर इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है और इसको मैं इसका जो बिहेवियर होता है वो एसिडिक होता है। बहुत ही विभिन्न प्रकार के जो थर्मल शॉक्स होते हैं, फ्लक्स वगैरह है या स्लैग्स होते हैं उनके प्रति बहुत हाई इसमें रेजिस्टिविटी होती है और इसमें स्पेलिंग रेजिस्टेंस भी होता है। स्पेलिंग रेजिस्टेंस का मतलब होता है लंप्स का बनना या उसमें से गिरना। इस प्रकार की जो रिफ्रैक्टरीज होती है ये मुख्य रूप से आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्री है उसमें जो फर्नेसेज होती है उन फर्नेसेज के इंटरनल कोटिंग या आंतरिक अस्तर जो होता है उस पर लगाने के लिए काम में लिया जाता है। इस प्रकार की जो रिफ्रैक्टरीज होती है सिलिका वृक्ष की जो एबिलिटी है ये सामान्य दिन की जो हार्डनेस होती है वो बहुत ही हाई लोड की अवस्था में भी स्टेबल रहती है। एक इसमें और दूसरा होता है जर्कोनियम रिफ्रैक्टरीज। जर्कोनियम रिफ्रैक्टरीज को बनाने के लिए हम जर्कोनियम ऑक्साइड्स का यूज करते हैं और इसका इसमें इस प्रकार की जो रिफ्रैक्टरी है इसकी बहुत कम थर्मल कंडक्टिविटी होती है और जर्कोनियम जो रिफ्रैक्टरीज होती है इनका जो यूज है वो सामान्यतः हम टेम्परेचर हाई एप्लीकेशन हाई टेम्परेचर के जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं वहां पर इनका यूज करते हैं। एल्यूमिना सिलिकेट रिफ्रैक्टरीज, इस प्रकार की जो रिफ्रैक्टरीज होती है ये एल्यूमिनियम और सिलिकेट्स के द्वारा मिलकर बनाई जाती है और ये जो रिफ्रैक्टरीज होती है सेमी एसिडिक टाइप की होती है। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड दोनों का कॉम्बिनेशन बना के मिलाई जाती है और फायर क्ले यहाँ पर कंपोजिस्ट या इसके बंधक के रूप में डाला जाता है और हाई एल्यूमिना के जो कंटेंट है उसके साथ में इस प्रकार की रिफ्रैक्टरीज का हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसी में जो एसिडिक रिफ्रैक्टरीज होती है इसमें एक रिफ्रैक्टरी होती है जिसे बोलते हैं हम फायर क्ले रिफ्रैक्टरीज।
इस प्रकार की जो रिफ्रैक्टरी होती है, इसका कॉमन जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें एल्यूमिनिक ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, हाइड्रस मॉलिक्यूल। और इसको हम क्या करते हैं कि पीस करके, क्रश करके और करीब करीब हम कैल्सिनेशन करवाते हैं, और कैल्सिनेशन करवा के जो जॉर्ज बनता है उसको क्ले के साथ में मिक्स करते हैं और उसकी ब्रिक्स बना लेते हैं। इस तरह से फायर क्ले की जो ब्रिक्स है उनका फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार की जो फायर क्ले की ब्रिक्स होती है उनका जो करेक्टर्स होते हैं, इनका थर्मल जो कोफिशेंट होता है एक्सपेंशन का वो बहुत कम होता है, हाई टेम्परेचर इनका बहुत ज़्यादा सफिशियंट स्टेबिलिटी होती है, इनकी स्पेलिंग के प्रति इनकी रिस्टिविटी पाई जाती है। इस प्रकार की जो रिफ्रैक्टरीज होती है ये बहुत ही सस्ती होती है। फायर क्ले रिफ्रैक्टरीज का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की जो ब्लास्ट भट्टियाँ होती है उस ब्लास्ट भट्टियों के अंदर हम इनका यूज करते हैं। जो फ्लू और सॉक्स जो गैसेज होती है वहाँ पर हम लाइनिंग के लिए इनका यूज कर सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट जब फर्नेसेज में किया जाता है तो वहाँ पर हम इनका यूज करते हैं। विभिन्न प्रकार की ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है जो फर्नेसेज होती है उनमें इनका यूज हम करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो रीजनरेटिव फर्नेसेज होती है उनमें भी हम इनका उपयोग कर लेते हैं। रिवर बैटरी जो फर्नेसेज है उनमें हम यूज करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो पोल्ट्री किल्न होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पोल्ट्री के भट्टे होते हैं उनमें हम इनका फायर क्ले का यूज करते हैं। इस प्रकार की जो थर्म रिफ्रैक्टरीज होती है इनकी थर्मल जो कंडक्टिविटी होती है वो अच्छी होती है। इस प्रकार की रिफ्रैक्टरीज मुख्य रूप से जो बेसिक स्लैब्स होते हैं उनके साथ में रिएक्शन करती है, और ये हम ये मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेटली 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक का जो टेम्परेचर है इजली सहन करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट, बेसिक रिफ्रैक्टरीज। बेसिक रिफ्रैक्टरीज जो होती है ये रिफ्रैक्टरीज इस प्रकार की रिफ्रैक्टरीज होती है जो सामान्यतः नेचर में बेसिक करेक्टर वाली होती है। ये रिफ्रैक्टरीज का उपयोग केवल हम वहां पर करेंगे जहां पर जो स्लैग है, बनने वाला जो स्लैग है फर्नेसेज के अंदर उसका करेक्टर बेसिक हो। हम केवल ऐसे पॉइंट पे इस प्रकार की रिफ्रैक्टरीज का यूज करते हैं। इनका अगर हम देखें तो मेन जो रॉ मेटेरियल इनके अंदर होता है, दैट इज अगर आरओ ग्रुप की हम देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है या कैल्शियम ऑक्साइड है, इनका मिक्स करके क्रोम और मैग्नीशियम वगैरह मिला के इनको इस प्रकार की रिफ्रैक्टरीज का हम यूज कर सकते हैं। मैग्नेटाइज रिफ्रैक्टरीज इसमें हम बना सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है 85% से ज़्यादा। तो इस प्रकार की जो रिफ्रैक्टरीज होती है वो स्लैग और विभिन्न प्रकार के जो एब्रेशंस होते हैं या कोरोजन है उनके प्रति इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। हाई जो रिफ्रैक्टरीनेस है हाई टेम्परेचर की कंडीशन पे वो बहुत अच्छा करेक्टर इसमें हाई टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता होती है, जबकि जो रिफ्रैक्टरी या फर्नेस का बहुत ज़्यादा हाई लोड हो और हाई टेम्परेचर हो ऐसी कंडीशन पर भी इस प्रकार की रिफ्रैक्टरी बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, खास करके मेटलर्जिकल प्रोसीजर्स में इस प्रकार की रिफ्रैक्टरीज का हम यूज करते हैं। डोलोमाइटिक रिफ्रैक्टरीज, इस प्रकार की जो रिफ्रैक्टरीज होती है वो डोलोमाइट रिफ्रैक्टरीज अर्थात मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो कार्बोनेट्स है, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ डोलोमाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार की जो रिफ्रैक्टरीज होती है वो रिफाइनिंग फर्नेसेस एंड कन्वर्टर्स के रूप में यूज किया जाता है। मैग्नीशिया क्रोम रिफ्रैक्टरीज, ये जो रिफ्रैक्टरीज होती है इन रिफ्रैक्टरीज को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड से मिलाकर बनाते हैं, और ये जो रिफ्रैक्टरीज होती है ये टेम्परेचर और कोरोसिव एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी पाई जाती है। मैग्नेसाइट रिफ्रैक्टरीज, इस प्रकार की जो रिफ्रैक्टरीज होती है ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बियर करने की कैपेसिटी होती है, खास करके ये बेसिक टाइप की रिफ्रैक्टरीज होती है, और लेकिन थोड़ी सी जो सिलिका रिफ्रैक्टरीज होती है उनकी तुलना में ये थोड़ी सी कॉस्टलियर होती है। इस प्रकार की जो रिफ्रैक्टरीज होती है इनका यूज हम जो ओपन हार्ट प्रोसेस होता है जिसमें कि कॉपर का हम प्रीमिशंस करते हैं वहां पर इनका यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क और इंडक्शन जो फर्नेसेज होती है उनमें इस प्रकार की रिफ्रैक्टरीज का यूज कर सकते हैं। जो एलडी क्रूसिबल्स होती है, खासकर जो एलडी प्रोसेस है आयरन की जो मेटलर्जी में हम यूज करते हैं, उन फर्नेसेज में
हम इस प्रकार का जो एलडी प्रोसेस का जो क्रूसिबल तैयार करते हैं उनकी लाइनिंग के लिए इस प्रकार की रेफ्रेक्टरीज का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे उदासीन रेफ्रेक्टरीज या न्यूट्रल रेफ्रेक्टरीज, ऐसी रेफ्रेक्टरीज जो न तो अम्लीय होती है नेचर में और न ही क्षारीय होती है। तो ये रेफ्रेक्टरीज उदासीन रेफ्रेक्टरीज की कैटेगरी में उनको कर सकते हैं। तो इन रेफ्रेक्टरीज का यूज हम ऐसे क्षेत्र, ऐसे स्लैग बनने वाले जोन भट्टी के अंदर उनका उपयोग किया जाता है जहां पर कि बनने वाला स्लैग उदासीन प्रकृति का हो, वहां पर इस प्रकार की फर्नेसेज में इनका यूज किया जाता है, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों में ही स्टेबल होती है। इस प्रकार की जो रेफ्रेक्टरीज होती है ये सामान्यतः एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम, क्रोमिया आदि या कार्बन के साथ में मिलाकर बनाई जाती है, जैसे कार्बन ग्रेफाइट रेफ्रेक्टरीज। इस प्रकार की जो रेफ्रेक्टरीज होती है इनमें कार्बन मुख्य कंपोनेंट के रूप में रहता है। इस प्रकार की जो रेफ्रेक्टरीज होती है इनका एक हाईली रिड्यूसिंग एनवायरमेंट होता है और हाई रेफ्रेक्टिवनेस का जो कंसेप्ट है इनके अंदर, और बहुत ज्यादा हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है और स्लैग के प्रति इनकी बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है। क्रोमाइट रेफ्रेक्टरीज, इस प्रकार की जो रेफ्रेक्टरीज होती है वो सिंटर्ड मैग्नेशिया और क्रोम को मिलाकर के इस प्रकार की क्रोमाइट रेफ्रेक्टरी बनाती है। इस प्रकार की जो रेफ्रेक्टरीज होती है उनका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पर भी इनका जो वॉल्यूम होता है बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंट रहता है। और ये जो रेफ्रेक्टरीज होती है ये हाई रेजिस्टेंस स्लैग होती है। एल्यूमिना रेफ्रेक्टरीज, इस प्रकार की जो रेफ्रेक्टरीज होती है वो हम ये मान के चलते हैं कि इनका ज्यादातर पोर्शन जो है एल्यूमिना और का बना होता है, इसलिए हम इनको इस प्रकार की एल्यूमिना रेफ्रेक्टरीज के नाम से जानते हैं। क्रोमाइट रेफ्रेक्टरीज जो कि एक न्यूट्रल रेफ्रेक्टरीज का एक एग्जांपल है, क्रोमाइट रेफ्रेक्टरी बनाने के लिए हम विभिन्न एक कोर जो और होता है खास करके FeO कंटेन क्रोमाइट, इससे मिलकर बनती है FeO.Al2 देते थे क्रोमाइट। ये जो कोर जो क्रोम और होता है इसको हम पहले बहुत बारीक पाउडर फॉर्म में कम पीस लेते हैं इसको, और इसकी बहुत कम मात्रा इसमें बाइंडिंग मटेरियल भी डालते हैं जैसे फायर क्ले वगैरह, बॉक्साइट वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह, ये हम डाल देते हैं। तो इस मिक्सर को हम क्या करते हैं जो ईंट है उनके रूप में मोल्ड करके डाल दिया जाता है और ड्राई करके और किल्न के अंदर करीब करीब 1500 डिग्री सेल्सियस से पे इसको पकाया जाता है। तो इस तरह इसकी ये रेफ्रेक्टरीज बन जाती है। क्रोमाइट जो रेफ्रेक्टरीज होती है उनकी जो करेक्टर्स होते हैं लो पोरोसिटी होती है, बहुत कम इनके अंदर पारगम्यता होती है, एसिड और बेस के प्रति बहुत ज्यादा इसमें प्रतिरोधकता पाई जाती है, बहुत कम थर्मल कंडक्टिविटी होती है और स्पेलिंग के प्रति एक तरह से बहुत कम इसमें रेजिस्टिविटी पाई जाती है। इस प्रकार की जो क्रोम वृक्ष होती है इनका जो मुख्य उपयोग है वो हम जो स्टील की इंडस्ट्री है उनके लिए लाइनिंग जो ओपन हार्ट प्रोसेस होता है उसके लिए जो बॉटम होते हैं उनमें सॉकेट के रूप में इनका यूज करते हैं। यूजेस, अगर हम देखें कि जो भी हमने रेफ्रेक्टरीज डिस्कस करी है, जो भी रेफ्रेक्टरीज हमने यहाँ पर जिनका अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, जिनके बारे में भी पढ़ा है, इनका आखिर में यूज क्या होता है रेफ्रेक्टरीज का। जो रेफ्रेक्टरी मटेरियल्स होते हैं ये मुख्य रूप से इनके कई सारे फंक्शन है जिनमें हम इनको यूज कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो थर्मल वेरियर्स होते हैं, हॉट मीडियम एंड जो बाल है कंटेनिंग वेसल, जैसे मान लो आपने जैसे एलडी प्रोसेस की क्रूसिबल बनाई, तो एलडी वेसल की जो क्रूसिबल बनाई उसका जो मोल्टन या पिघले हुए मेटल के कांटेक्ट में कौन रहता है वहां पर वो रेफ्रेक्टरीज ही रहती है और बाहर स्टील का कंटेनर होता है, तो उनके बीच में एक जो मीडियम का काम कौन करता है, एक थर्मल बैरियर का काम करता है, तो ये रेफ्रेक्टरीज ही होती है। इस प्रकार की जो रेफ्रेक्टरीज होती है ये बहुत एक फिजिकल स्ट्रेस को और एरोजन को छयन करने की क्षमता रखती है बेसल की जो बाल होती है उसके ऊपर और हॉट मीडियम के बीच में, तो इसलिए बहुत ज्यादा इनका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कोरोजन से बचाव के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। थर्मल जो इंसुलेशन है उसके रूप में हम इनका यूज कर सकते हैं। इस प्रकार की जो खास करके जो मेटलर्जिकल प्रोसीजर्स होती है, रिफ्रेक्टरीज का उपयोग हम जो फर्नेसेज है उनकी लाइनिंग के लिए कर सकते हैं,
विभिन्न प्रकार के जो भट्टे होते हैं या रिएक्टर्स होते हैं या अन्य जो वेसेल्स होते हैं जो कि हॉट मीडियम को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे मेटल या स्लैग है, उनको लाने ले जाने के लिए इस तरह के जो कंटेनर्स होते हैं जो कि खासकर बहुत वेरी वेरी हॉट होते हैं, उनके इंटरनल बाल्स के रूप में, इंटरनल जो वेसेल्स होते हैं, इंटरनल कोटिंग के रूप में हम इनका यूज करते हैं। रिफ्रैक्टरीज का जो और जो टेम्परेचर है, यह है कि विभिन्न प्रकार के हाई टेम्परेचर पे जो फायर हीटर्स है, हाइड्रोजन रिफॉर्मर्स है या अमोनिया के जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिफॉर्मर है, विभिन्न प्रकार की जो बंजन भट्टियां होती है जिसे हम बोलते हैं क्रैकिंग फर्नेसेस, इन क्रैकिंग फर्नेसेस को बनाने के लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो बॉयलर्स होते हैं, यूटिलिटी बॉयलर्स होते हैं, उनमें इनको लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट बनाने के लिए इनका यूज कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जैसे